अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट वाइटनिंग फेशियल पैक, जिसके 4 स्टेप्स हैं क्लींजिंग, स्क्रबिंग, मसाज एंड फेस पैक। फर्स्ट स्टेप हमारा है क्लींजिंग। इसके लिए हमें चाहिए मिल्क। अगर आप क्लींजिंग जो डीप क्लींजिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें लेमन जूस कर सकते हैं, और अगर आप लेमन जूस कर रहे हैं मिल्क में तो प्लीज़ अपना पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर आप रॉ मिल्क जो है उसे कोल्ड ठंडा कर लें तो आप उसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लींजिंग। अगर आप लेमन यूज़ करते हैं तो प्लीज़ पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। पैच टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं कि आप अपने कान के पीछे थोड़ा सा जो मिक्सचर बनाएंगे उसे लगा के देख लीजिए। अगर आपको इचिंग या कुछ भी फील होता है तो आप प्लीज़ उसे ना यूज़ कीजिएगा, और अगर नहीं तो दैट इट्स कि आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप यूज़ ये पैच टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है मिल्क ले रही हूँ और उसे सिंपली यूज़ कर रही हूँ, जब क्योंकि मुझे अभी डीप क्लींजिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि आपने जो है मिल्क लेना है, उसे अगर आप ठंडा कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपने इस तरह से कॉटन पैड से यूज़ करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर हाँ आपके पास जो है रिवाज चूके या कोई भी ब्रांड का क्लींजिंग मिल्क है जो आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये होम मेड वाला करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले। मैं सीरियसली ऑनेस्टली ट्रस्ट मी ये बहुत ही पर्सनली बता रही हूँ कि ये वाकई में बहुत इफ़ेक्टिव फेशियल है, मैंने खुद यूज़ किया है। तो होप सो आपको भी पसंद आए। और सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ और आपको साथ साथ बताऊँगी। फर्स्ट में हमें चाहिए लेंटिल्स यानी कि मसूर की दाल। सेकंड हमारे पास होगा चावल का आटा, राइस फ्लोर, और देन हमें चाहिए बादाम का पाउडर यानी आलमंड पाउडर। यानी ये तीन चीज़ें हमें चाहिए स्क्रबिंग के लिए। हम लेंगे एक स्पून मसूर की दाल और एक स्पून जो है चावल का आटा ले लीजिएगा, और एक ही स्पून आप बादाम का पाउडर लेंगे। अब इसे आपने बनाना किस तरह से, आप पहले इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इन सब पाउडर्स को, और उसके बाद आप इसमें दो तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप जो है रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें मिल्क यूज़ कर सकते हैं, योगर्ट यूज़ कर सकते हैं और मिल्क क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो जो ड्राई स्किन वाले हैं वो मिल्क यूज़ कर लीजिएगा, और अगर किसी की स्किन नॉर्मल है तो वो रॉ मिल्क यूज़ कर सकता है यानी कि सिंपल दूध, और अगर किसी की स्किन ऑयली है तो वो दही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है अरके गुलाब यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बेस्ट होता है, तो इसलिए मुझे अरके गुलाब ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आपने इसमें मिल्क या योगर्ट जो भी यूज़ कर रहे हैं उसे इतना डालना है, इसमें ऐड करना है कि ये एक अच्छा पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए आपका बहुत ही अच्छा स्क्रब, इसकी मतलब जो बनावट है जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, और जो आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। आपने इसे 5 to 7 मिनट्स सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है, जेंटली स्क्रब करेंगे और सर्कुलर मोशन में। ये स्टेप्स आप जो है फेशियल के स्टेप्स यूज़ किया करेंगे, उससे आपको और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, और उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। और अब जो है ये पेस्ट आप जो फेशियल है आप ज़रूर यूज़ करिएगा। अब हम अपने तीसरे स्टेप पे जाएंगे। तीसरा स्टेप है हमारे पास मसाज क्रीम। तो हमारे पास मसाज क्रीम हम रेडी कर लेते हैं। मसाज क्रीम के लिए हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे खाली, उसमें हम अब ऐड करने वाले हैं टमाटो पेस्ट। हमारे पास टमाटर का जो पेस्ट होगा वो हम बना लेंगे, वो पेस्ट लेंगे, या आप जूस भी यूज़ कर सकते हैं टमाटर का। नहीं, यहाँ पे पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। तो ये आपने पेस्ट लेना है, उसी के साथ आप इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको पता है बहुत ही बेनिफिशियल है, और बहुत स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं लेकिन स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ किया करें। अगर आपके घर पे प्लांट है तो ऑब्वियसली आपको यूज़ करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये सीरियसली बहुत ही इफ़ेक्टिव फेशियल है, और आप एक बार यूज़ करके बताइएगा मुझे। अगर किसी ने यूज़ किया है या करना है तो प्लीज़ यूज़ करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आप जो है
जल ले लेंगे, और आपका जो जल है इस मिक्सचर को अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आपका ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो आपने इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। 5 to 10 minutes या 4 to 5 minutes आप अप्लाई करेंगे, और आपने इसे एक लेयर में लगाना है और जेंटली मसाज करना है ताकि ये जो आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए आपका लास्ट और फोर्थ स्टेप है फेस वाइटनिंग फेस पैक। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और जो है आपको इसके लिए इंग्रेडिएंट चाहिए 1 tablespoon ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन का आटा, और 1 tablespoon ही आपको चाहिए मिट्टी मुल्तानी मिट्टी, और 1 tablespoon ही आपको चाहिए होगा दूध, ड्राई दूध, खुश्क दूध जो होता है वो आप यूज़ करेंगे इसमें। अब आप इस पेस्ट को बनाने के लिए अरके गुलाब यूज़ करेंगे। आपने अरके गुलाब उस क्वांटिटी में डालना है कि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, आपका पैक बन जाए, ज़्यादा जो है लिक्विड फॉर्म में ना बने, थिक फॉर्म में ही रहे। तो आप इसे इस तरह से पैक बना लेंगे, ये आपको मट्टी कलर में ही दिखाई देगा। तो आपने इसे इसी तरह पैक बना के अपने फेस पे 15 to 20 minutes अप्लाई करें। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपकी स्किन टाइट करेगा, और आपने एक थिक लेयर लगानी है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। तो इसे मसाज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप फिर भी मसाज करना चाहते हैं तो आप पहले अरके गुलाब से स्प्रे करें अपने फेस पे और इसे इस तरह से अप्लाई कर लें। ये बहुत ही अच्छा है फेशियल है, उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, दुआएँ कीजिएगा, और हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रहें। जजाकल्ला।